मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हर्ष यादव ने अपनी विधानसभा देवरी की जनपद पंचायत केसली पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय कन्या छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जिसमें अनेकों कमियां मिलने पर अधिकारियों को कमियां दूर करने के लिए निर्देश दिए गए। मंत्री हर्ष यादव ने निरीक्षण के बारे में मीडिया से बात की। छात्रावास के संबंध में शिकायतें मिल रही है, इस कारण निरीक्षण किया गया है। अब इन कमियों को दूर किया जाएगा। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान छात्राओं को खाने पीने का सामान खुद चेक किया है और छात्रों को मच्छरदानी उपलब्ध कराई है या नहीं, इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल की है। पानी की प्रॉब्लम रहती नहीं है मोटर जी सर, इसके कारण मोटर तो सर 8 दिन इतना लंबा समय पर अपने पानी की सप्लाई कैसे करेगी? और कोई मोटर एक आध अल्टरनेटिव रखते अपन लोग अलग अलग है भैया, एक्स्ट्रा है कुछ ऐसी स्थिति जहाँ एक 8 दिन की वाटर सप्लाई नहीं होगी तो हाहाकार मच जाएगा। दूसरा आपकी टंकियों में भरवा के रखो, टंकी ऊपर दो नए कनेक्शन भी लगवा लिए। बालिकाओं का हॉस्टल है, बेहद शिकायतें प्राप्त हो रही थी लंबे समय से। यहाँ पे बच्चियों को जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उस सुविधाओं का अभाव जब मैंने आश्रम में आकर देखा तो देख कर पाया कि बहुत सारी कमियां हैं। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सुधार करें, साथ ही जो सरकार की गाइडलाइन है उस आधार पर थोड़ा वक्त भोजन भी मिले, साथ साथ जो है उनके अन्य आवासीय सुविधाएं जो मिलना चाहिए वो भी मिले, वो भी मैंने निर्देश दिया है।